ही चांद दिख गया, अभी तो दिखा था। हाँ दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। गाइस व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग विद अरमान। सो गाइस अकॉर्डिंग टू ना कैलेंडर आज चांद रात है। आज 30 रोजा हो गए कम्प्लीट, आज 30 रोजे कम्प्लीट हो गए आज। और फाइनली हमारा सूरज जो है वो तो डूब चुका है। एज यू कैन सी, आप लोग मेरे पीछे अगर देख सकते होंगे तो सूरज तो डूब चुका है। सो आई एम वेटिंग फॉर चांद। अब चांद निकल के आ जाए तो मैं आप लोगों को रमज़ान का मतलब ईद का चांद मुबारक कर दूँ। बस आ जाए बस चांद नज़र। कुछ इस तरीके से खूबसूरत सा व्यू है और रोज़ा अफ्तार की आवाज़ भी आ रही है। दिख गया फाइनली गाइस, दिस इज चांद हियर 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 ओनली। मैं आपको आप फाइनली विश कर सकता हूँ, अस्सलामुअलैकुम टू यू ऑल गाइस। आप सभी को मेरी तरफ से ईद का चांद बहुत 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 मुबारक हो। और मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ कि मैं आज क्या करने वाला हूँ ईद के दिन। सो बी विद मी। ईद का चांद दिखने का मतलब होता है कि आज से रमज़ान ख़त्म हो चुके हैं और आज से और कल जो है हमारी ईद है, तो हम लोग उसकी तैयारी करने वाले हैं। अब तो मैं आपको सब बताऊँगा शुरखुर में से लेके सब कुछ। सो गाइज़ आपको इन एडवांस आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। मतलब मेरा आज रिकॉर्ड रह गया यार, मैं कभी रिकॉर्ड मिस नहीं करता हूँ चांद का। वालेकुम, ईद का चांद मुबारक हो, चल रही है गाइस। सेवैया भी आ गई है कलर कलर में, बहुत पसंद है मेरे को ये दूध के अंदर, गरम गरम दूध में खाना पड़ता है इसको। दूध आने वाला है ठीक है, तो ये 3 लीटर है अभी। ओ हाँ गाइस, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। सो गाइस काफ़ी तैयारी चल रही है, अभी सुबह हो गई है, शुरखुरमा वगैरह बनेगा, नहाएंगे धोएंगे फ्रेश होंगे, फिर ईद नमाज भी पढ़ेंगे। तो चलो अब हम तैयारियाँ देखते हैं, फिर नमाज वगैरह पढ़ते हैं। कुछ तैयारियाँ हो चुकी है गाइस। दोनों तो हो चुका है, अब जो इसके कपड़े हैं वो देख लेते हैं ठीक है, या पहन के बताओ। एक काम करता हूँ पहन के ही बताता हूँ। ये गाइस एक्चुअली कंफ्यूज हो गया हूँ मैं, ये पहनूँ या ये पहनूँ। एक्चुअली मुझे ये ज़्यादा पसंद है, ये एकदम थोड़ा शादी टाइप लगता है। और ये जैकेट है ऊपर, दोनों पे भी सूट होता है। चलो जो भी मन करता है वो पहन के देखता हूँ। अस्सलामुअलैकुम टू ऑल, आप सबको मेरी तरफ से ईद उल फितर की बहुत 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 वाली मुबारकबाद। सो गाइस अभी नमाज पढ़ के आया हूँ जस्ट। सो गाइस आज ईद उल फितर है, इसका मतलब ये होता है कि मतलब आज जो है रमजान के बाद में आज फितरा वगैरह देते हैं, और अप्रॉक्सीमेट 2 किलो घी तो देते हैं गाइस। और छोटे बच्चे आते हैं घर पे, ईदी वगैरह बांटी जाती है, मिठाइयाँ बांटी जाती है, शुरखुरमा बनता है, बिरयानी बनती है, सब कुछ कवर करेंगे अपन। सो लेट्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि शुरखुरमा कैसे बनता है। बड़े होते हैं उन सबकी ब्लेसिंग्स वगैरह लेते हैं, गले मिलते हैं और विश करते हैं एक दूसरे को कि आज ईद है मुबारक हो आप सबको करके, जैसे कि मैं आपको कर रहा हूँ कि ईद मुबारक हो। और फोटोशूट पे जाएंगे हम लोग, शुरखुरमा बांटेंगे और बस। अब मैं बड़ा होगा तो मेरे को ईदी तो मिलेगी नहीं। ईदी देंगे जोर से बोलो। हाँ कितने देंगे? 500 में क्या होता मम्मी? हमारी ईद की स्पेशलिटी बन रही है अभी, शिरखुरमा बन रहा है, सेवई वगैरह डाल के भी भुनना है, डाले और खोपरा डाले। हाँ और इलायची डाले, और इलायची डाले, इलायची थोड़ी अभी डालेंगे बाद में लास्ट में डालेंगे ठीक है, ताकि उसमें खुशबू रहे। इसको थोड़ा धीमे आंच पे भुनना पड़ेगा। तीनों नट्स हैं, जब ये घी छूट जाए इसको तब आप ये डालिए। ये तीनों नट्स हैं, इसमें बादाम है, काजू है और पिस्ता है, आप अपने मर्जी से चूज कर सकते हैं।
रेडी हो चुका है हमारा शीर खुरमा। माय फर्स्ट आउटफिट फॉर ईद, अभी शिरदुर्मा पीते हैं हम लोग, फिर फोटो शूट वगैरह के लिए जाएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ इस पे निकलूं या उस पे फोटो शूट करूं, समझ में नहीं आ रहा। दिस इज फर्स्ट लुक ऑफ माय शिरदुर्मा, ये मेरे लिए मम्मी ने बनाया है। अपने घर की बात ही अलग होती है बॉस। कुछ इस तरीके से मेवा वगैरह है, एज यू कैन सी गाइस थिकनेस। एक मिनट में वही मेवा जरा थिकनेस कुछ इस तरीके से टेस्ट करके बताता हूँ। फर्स्ट लुक ऑफ शेर खुरमा एंड आई एम गोइंग टू हैव इट। यू वांट हैव सम गाइस? ईद मुबारक आप सब। बहुत टेस्टी है, 1000 out of 1000, एक नंबर टेस्ट है, बहुत टेस्टी। इतने कोर फोन आ रहे हैं गाइस दोस्तों के, विश कर रहे सब लोग, शेर खुरमा मांग रहे, बहुत कुछ हो रहा है गाइस। और अब हम लोग बाहर जाने वाले हैं फोटो शूट के लिए, तो काजल के लिए शिरदुर्मा भी लेके जा रहे हैं, मम्मी बना रहे अभी, और उसके बाद फिर हम लोग बाहर जाएंगे फोटो शूट करेंगे, वो भी बताऊंगा। बहुत अच्छा दिन बताएगा इस चीज़ का, बहुत मज़ा आता है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक आप सबको। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक आपको बोल रहा है, ठीक है। ये ऐसा गाइस आई एम राइडिंग अ बुलेट, ईद के मौके पे काजल के भैया ने बुलेट दिया है, तो हम लोग आज बुलेट की राइडिंग वगैरह का ब्लॉग भी करने वाले हैं। वो गई है उधर साइड में मेरा फोटो निकालने के लिए, और अभी हम लोग फोटो शूट भी कर रहे हैं। यहाँ दूर दूर तक तो कोई नहीं है। उस टाइम बुलेट चलाया पूरा बॉडी में वाइब्रेट हो गया, लेकिन अच्छा लग रहा था। ये वाली बुलेट है, काफ़ी ऑसम लग रही है, रील्स वगैरह भी आएंगी इंस्टाग्राम पे, देख लेना। अभी हमारा फोटो शूट चल रहा है, आई नो वो बहुत हैंडसम लग रहा हो, तो अभी हम लोग फोटो शूट कर रहे हैं, फिर मिलते हैं। तो गाइस अभी मैं आपको मोटो ब्लॉग भी थोड़ा सा बता देता हूँ ईद के लिए। आज बुलेट मिली है तो हम लोग जितने भी है इसके बुलेट के और ईद के जो भी मेरे फोटोज है वो आपको इंस्टाग्राम अकाउंट पे मिल जाएंगे। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का नीचे मैंने मेंशन कर दिया, वैसे तो डिस्क्रिप्शन में भी होता है मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट। और बाकी आज हम लोग दिन भर क्या करने वाले हैं वो तो मैं आपको बताने वाला हूँ। गाइस एज यू कैन सी अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं और हमारा ऑलमोस्ट फोटो शूट हो चुका है, काजल के घर पर शिरदुर्मा भी जा चुका है, और अभी बाकी मैं घर पर और जा रहा हूँ अभी शिरदुर्मा लेने के लिए। और ये मैंने दूसरा वाला कुर्ता भी पहना है साथ में एज यू कैन सी, और इसके फोटोज़ आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसकी। और अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे वापस, 6-7 डब्बे और है वो लेने हैं, फिर मेरे दोस्तों को बांटने जाने वाले हैं हम लोग शिरदुर्मा। सो दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग टुडे इन माय ईद, आई एम सेलिब्रेटिंग लाइक दिस ओनली। सो लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट, बी विथ मी। घर पे आया हूँ बहुत धूप के बाद, अब जुम्मे की नमाज़ पढ़ लेते हैं हम लोग आज जोहर की, उसके बाद डब्बे लेके जाएंगे। दादा ईद मुबारक बोलो। मुबारक मेरे को तो ईद ही भी मिली भाई। नहीं अभी दादा क्या दे दिया है, अब गौरव राजेश के पास जाएंगे हम लोग, अब गौरव राजेश को भी एक डब्बा देना है, ही इज आल्सो वेटिंग। सो लेट्स सी, हाय बोलो, हाय, ईद मुबारक बोलो। थैंक यू। सो गाइस आई एम रियली टायर्ड नाउ, गौरव राजेश को तो दे दिया आप, अब अवंती बाकी है अपनी, काजल बाकी है, हमेशा बाकी है, चलो उन लोगों को भी दे देते हैं। मोबाइल में चार्जिंग नहीं होती तो अब देखते हैं अब आगे का आगे तो बंदा ज़्यादा चढ़ गया है। सो देखते हम लोग वीडियो का एंड करने वाले हैं, पर अभी तक तो मतलब एक्साइटमेंट ही एक्साइटमेंट लग रही है ईद की वजह से,
ठीक है आगे चलो। Isn't I'm looking so smart, huh? Yes, I'm looking so smart today. घर पे आए हैं। Hi. Hi. Thank you. बोला ना रे। अरे बोल। बोलो ना।